मार्गदर्शन के लिए कोई जगह है तो हमारा संविधान है। We the people of India. संविधान बहुत खूबसूरत है। We the people of India. हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हर हिंदुस्तानी के मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया। फिर जिस संविधान की प्रस्तावना आजकल बहुत पढ़ी जा रही है, उसको भी संविधान का हिस्सा कैसे बनाया गया। अब आगे, नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। भारत के संविधान की संपूर्ण और सबसे रोचक कहानी लेकर एक बार फिर आपके साथ। किस्से के सिरे को हम अब आजादी की सुबह तक लिए चलते हैं। आजादी की वो सुबह जो बड़ी दिलकश थी। स्याह शब को चीर कर एक सूरज रोशन हुआ, उस रोशनी में हिंदुस्तान को अपना भविष्य गढ़ना था। लेकिन भविष्य की भाषा क्या होगी, जहां कोस कोस पर पानी बदल जाता है और चार कोस पर बानी यानी कि जुबान। वहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को भाषा की किस डोर में बांधा जाएगा? वो डोर कौन सी होगी, हिंदी, हिंदुस्तानी या अंग्रेजी या फिर कोई और भारतीय जुबान? बंटवारे ने देश के दो टुकड़े ही नहीं किए थे, देश के हौसले, उत्साह और इनसे ज्यादा विश्वास को बांट दिया। हिंदू मुसलमान के दंगे तो अपनी जगह थे ही, जातियों का दंश भी था, इलाकों की अपनी लड़ाइयां थी और जुबान पर घमासान अपनी जगह। आजादी से पहले तक जो लोग हिंदुस्तानी को मादरे वतन की जुबान बनाना चाहते थे, वो हिंदी की कस्में खाने लगे। जो हिंदी में हिंद की बुलंदी देखते थे, उनको उर्दू से ज्यादा ही इश्क होने लगा। दूसरी स्थानीय भाषाएं अपनी जगह थीं, तमिल, तेलुगु, मलयालम से लेकर मराठी, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, कहां तक गिनती करेंगे। ऐसे में संविधान बनाते समय सबसे विवादास्पद मुद्दा भाषा का था। जानकर इस बात की चर्चा की जरूर कि भारत की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और स्वाभाविक है हिंदी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन बाकी भाषाओं का भी संबंध होना चाहिए। लगभग 22-23 भाषाएं जो हैं वो आज भारत के कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज भाषाएं हैं। आप ये भी देखते हैं उसमें भारत की सारी भाषाएं हैं। यक्ष प्रश्न ये था कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी। संविधान सभा में जिस विषय पर सबसे ज्यादा विवाद, बवाल और तनाव का माहौल बना, वो राष्ट्रभाषा का सवाल था। संविधान सभा के सदस्यों के सामने सवाल था कि सदन में कौन सी भाषा बोली जाएगी, किस भाषा में भारत का संविधान लिखा जाएगा और किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा। इन सवालों के साए में अभी सभा की सुगबुगाहट बढ़ी भी नहीं थी कि 10 दिसंबर 1946 को आरवी धुलेकर ने हिंदी पर हंगामा शुरू कर दिया। प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा से वो हिंदी के सवाल पर जिद की हद तक जाकर उलझ गए। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि संशोधन में क्या मैं माननीय सदस्य से ये पूछ सकता हूं कि क्या वो अंग्रेजी नहीं जानते? मैं अंग्रेजी जानता हूं, मगर हिंदुस्तानी में बोलना चाहता हूं। बहुतेरे सदस्य हिंदुस्तानी नहीं जानते, उदाहरण के लिए श्री राजगोपालाचारी को ही ले लीजिए। जो हिंदुस्तानी नहीं जानते उन्हें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार ही नहीं है। जो लोग यहां भारत का विधान निर्माण करने के लिए आए हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा के सदस्य होने योग्य नहीं है। बेहतर होगा कि वो सभा छोड़कर चले जाए। सभापति महोदय, मेरा संशोधन यह है कि प्रोसीजर कमेटी अपने नियम पहले हिंदुस्तानी में बनाए और उसके बाद उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए। प्लीज, एक भारतीय होने के नाते मैं ये अपील करता हूँ कि जो इस देश को आजाद करने के लिए तुले हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अपनी भाषा में सोचना और बोलना चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर।
I do not permit you to proceed anymore. आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी. Resume your seat. देशी भाषा हिंदुस्तानी ही होगी. Resume your seat just now. धुलेकर साहब, आप जो कहना चाहते थे आप कह चुके हैं. देखिए पंडित जी, अब मेहरबानी करके इस हाउस की इज्जत रखिए और अपनी जगह पर बैठ जाइए. धुलेकर साहब, हाउस में इज्जत रखना बहुत जरूरी है. ये कोई झांसी की आम सभा नहीं है जहां जोर जोर से भाइयों और बहनों चिल्लाकर भाषण झाड़ना शुरू कर दे. समझे? आइए चलिए. देखिए चलिए चलिए चलिए. अभी संविधान सभा के बैठे 3 ही दिन हुए थे. अगर यही वातावरण बना रहता तो आने वाले दिनों में बाकी मुद्दों पर भी बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली थी. उस दिन नेहरू ने धुलेकर को डांटकर उनकी जगह पर भेज तो दिया, लेकिन संविधान निर्माताओं को इतना साफ साफ समझ में आ गया कि भाषा का सवाल बेहद जटिल है. हिंदुस्तान की करीब 1/3 आबादी हिंदी बोलती है, इसलिए राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी का पलड़ा भारी दिखता था. हालांकि हिंदी पट्टी से ही आने वाले कई नेता इस बात को जानते थे कि जबरन हिंदी लादी गई तो देश चलाना मुश्किल होगा. बहुत इस पर गंभीर चर्चा हुई. चर्चा होने के बाद 2 इश्यूज थे. एक इश्यू थे कि क्या भाषा हमारी राष्ट्रभाषा होगी, और दूसरा कि राष्ट्रभाषा की लिपि क्या होगी. ये दोनों बातें थी कि क्या रोमन लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी भी सेंट्रल एशिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन उनको रोमन लैंग्वेज में लिखा जाता है या उनको रशियन लैंग्वेज में लिखा जाता है. उसी तरह से यहाँ चर्चा भी हुई. कुछ सदस्यों ने यहाँ तक मांग की कि दिल्ली में गाड़ियों का नंबर प्लेट भी हिंदी में हो. कुछ सदस्य चाहते थे कि हिंदी की जगह हिंदुस्तानी कतई न लाई जाए, जिसकी पैरोकारी गांधी करते थे. कुछ सदस्य न सिर्फ हिंदी बल्कि संख्या में भी अंग्रेजी की जगह हिंदी में लिखने की मांग कर रहे थे, और कुछ की मांग थी कि संविधान आधिकारिक तौर पर हिंदी में लिखा जाए और अनौपचारिक तौर पर अंग्रेजी में. लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया. उनकी दलील थी कि अंग्रेजी में कानूनी और तकनीकी चीजों को समझाना और लिखना आसान होगा. अंग्रेजी की आवश्यकता इसलिए आई कि अंग्रेजी 100-150 वर्षों से काम कर रही थी, आज भी काम करती है. अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है, इसलिए अंग्रेजी को भी रखा गया. हिंदी भी बढ़ती है, अंग्रेजी की समझदारी भी बढ़ती है, और संस्कृत के प्रति आदर भी होना चाहिए. ये संविधान की सोच है. भाषा के सवाल पर महात्मा गांधी बहुत पहले से ये सोचते थे कि हिंदुस्तान को एक रखना है तो हिंदुस्तानी को ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए. यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी उनके निर्देश पर कई लोग हिंदुस्तानी का प्रचार कर रहे थे. अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले गांधी ने हिंदुस्तानी पर एक भाषा दर्शन पेश किया था. हिंदुस्तानी भाषा को ना संस्कृत निष्ठ हिंदी बनाना चाहिए, ना फारसी भरी उर्दू. इसे तो दोनों का एक मीठा सा मिश्रण होना चाहिए. हिंदुस्तानी में दूसरे इलाकों की बोलियों से भी शब्द लेने चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो विदेशी भाषाओं से भी. मार्च 1947 में मौलिक अधिकारों के लिए बनी उपसमिति ने तय किया था कि हिंदुस्तानी ही संघ की राष्ट्रभाषा और सरकारी कामकाज की राजभाषा होगी, जिसे हिंदी या उर्दू में लिखा जा सकता है. अंग्रेजी तब तक दूसरी राजभाषा होगी. लेकिन भाषा के सवाल को सबसे ज्यादा उलझाया देश के बंटवारे ने. पाकिस्तान ने उधर उर्दू को अपनी भाषा माना, तो इधर हिंदी को लेकर संविधान सभा के कई सदस्य अंध उन्माद और प्रतिक्रिया में चिल्लाने लगे. इसकी प्रतिक्रिया दक्षिण भारत से आए सदस्यों पर पड़ी, और वो अंग्रेजी या फिर अपनी भाषा की मांग करने लगे.
देश के किसी भी भाग में बोलने वाली कोई भी भाषा, वो चाहे उन भाषाओं में हो या ना हो जिनको नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया गया, मैं मानता हूँ राष्ट्रीय भाषा, हर भाषा चाहे थोड़ी सी लोग बोलते हो, चूँकि हमारे देश की भाषा है। लेकिन संविधान हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी डालता है कि हम हिंदी को संपर्क की भाषा के तौर पर विकसित करने का प्रयास करें। उस वक्त जिस राजनीतिक दल का देशव्यापी असर था वो कांग्रेस थी, लेकिन देश बंटा तो जुबान भी बट गई। कांग्रेस के अंदर ही हिंदी के लिए कौम परस्ती ऐसी बढ़ी कि भाषा के सवाल पर मत विभाजन हुआ। इसमें बहुतों ने हिंदुस्तानी का विरोध किया और 32 के मुकाबले 63 वोटों से हिंदुस्तानी हार गई, हिंदी जीत गई। अंत में जब वोट पड़ा असेंबली में तो ये तय हुआ कि हमको हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना चाहिए। वहाँ पर चर्चा ये भी थी कि आप हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी को माने, हिंदुस्तानी क्योंकि आम नागरिक की भाषा थी, हिंदुस्तानी में उर्दू शब्द भी थे, संस्कृत के शब्द भी थे, हिंदी के शब्द भी थे। आज जो हिंदी भाषा हमारी संविधान सभा ने स्वीकार करी, उस हिंदी भाषा को हमने अपनी राष्ट्रभाषा माना, लेकिन उसके साथ साथ और भाषाओं को भी माना कि ये हमारी संवैधानिक भाषाएं हैं, इनको भी उसी तरह से सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर आम्बेडकर हिंदी के महत्व को जानते थे और कांग्रेस के राजनीतिक प्रभाव को भी, इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में आम्बेडकर हिंदी के पक्ष में बोले। आई विल से वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट that Congress has an indisputable majority. And if they are bent upon changing Hindustani to Hindi, we will have to come around sooner or later. Then why not sooner than later? 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने संविधान का मसौदा रखा गया तो दूसरे मुद्दों की जगह सबसे असली मुद्दा भाषा ही बन गई। हिंदी पट्टी के तमाम सदस्यों ने हिंदी को लेकर उन्माद का वातावरण बना दिया। महोदय, मेरा मत है कि हिंदी और केवल हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदी बनाम हिंदुस्तानी का विवाद अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि संविधान की धारा 99 के अनुसार केवल 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और हिंदी, जिनमें संसद की कार्यवाही हो सकती है। जहां तक दक्षिण भारत के नागरिकों और सदस्यों का सवाल है, मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ वर्षों तक कार्यवाही को अंग्रेजी में चलाना होगा। उन पर हम जबरदस्ती कुछ लाद तो नहीं सकते, मगर अंत में हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी और साथ में देवनागरी हमारी राष्ट्रलिपि। हिंदी वालों को अपनी संख्या का गुमान था तो कई सदस्यों को देश टूटने का डर सता रहा था। उनके सामने पाकिस्तान का उदाहरण था। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना जब पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में गए तो कहा कि देश की एक ही जुबान होगी और वो होगी उर्दू। पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू नहीं बल्कि बांग्ला बोली जाती थी। लेकिन हम वापस लौटते हैं अपनी संविधान सभा में, तो वहां दक्षिण भारत से आए टीटी कृष्णमाचारी, बंगाल से आए लक्ष्मीकांत मैत्रा और पंजाब के ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर जैसे वरिष्ठ सदस्यों ने हिंदी थोपने का आरोप लगाया और विरोध किया। नाराजगी इस कदर थी कि तमाम गैर हिंदी सदस्यों ने हिंदी साम्राज्यवाद थोपने जैसा गंभीर आरोप मढ़ दिया। 30 जुलाई 1948 को जब लोकसभा और राज्यसभा के कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन पर बात चल रही थी तो सेठ गोविंद दास ने हिंदी का सवाल उठा दिया। इसका पट्टा भी सीतारमैया समेत कुछ सदस्यों ने विरोध किया। तब एक विशेष समिति के एम मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगार के नेतृत्व में बनी। वैसे तो इस पर भी कुछ लोग चिढ़ गए थे कि हिंदी के लिए बनी समिति में हिंदी वालों को ही क्यों नहीं रखा गया। लेकिन 12 सितंबर 1949 को अयंगार ने जो रिपोर्ट सभा के सामने रखी वो लाजवाब थी। So, opinion has not always been unanimous on this question. There was, however, one thing about which we reached a fairly unanimous conclusion, that we should select one of the languages of India as the common language of the whole of India.
चलो इंग्लिश तो गई, अब देखते हैं कौन सा लैंग्वेज आता है सर। द फाइनल डिसीजन इज दैट वी शुड अडॉप्ट हिंदी as the language for all official purposes of the union under the constitution. The subsidiary decisions were that we had to keep English going for a period of 15 years until Hindi could establish for itself a position in which English stands today. No! 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 So, I move that the official language of the union shall be Hindi in the Devanagari script, and the form of numbers shall be the international form of Indian numerals. No, no, no! So, the whole world, with one or two exceptions, have adopted the international form of the Indian numerals. It is but right that we should keep in step with the whole world, or it should really be the other way. The whole world is already in step with us, who really gave these numerals to the world. Yeah, 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 yeah. ये तो तय हो गया कि हिंदी ही देश की राजभाषा होगी, लेकिन उसी दौरान संविधान के मसौदे के हिंदी अनुवाद पर ही सवाल उठने लगा। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर ने सभा में ही कह दिया कि संविधान का उर्दू अनुवाद तो समझ में आ गया, लेकिन हिंदी का समझ में नहीं आया। उस मसौदे को हिंदी के महान विद्वान रघुवीरा ने तैयार किया था। खुद नेहरू ने राजेंद्र बाबू से कहा कि सच तो यह है कि इस हिंदी का एक भी लफ्ज मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। बंटवारे की बुनियाद पर भाषा का सवाल सांप्रदायिक रंग लेने लगा था। सेठ गोविंददास जैसे सदस्य यहां तक कह गए कि हिंदी के समर्थक तो सांप्रदायिक नहीं हैं, लेकिन उर्दू के समर्थक सांप्रदायिक हैं। कई हिंदी भाषी सदस्य हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाना चाहते थे, जिसका विरोध हफीजुर रहमान और काजी सैयद करीमुद्दीन जैसे मुस्लिम सदस्यों ने किया। जनाबे वाला, मुझे याद है और मैं भूला नहीं हूं कि जब 30 जनवरी को वो अजीम और बहुत बड़ा हादसा पेश आया, जब किसी जालिम ने गांधी जी को हमसे छीन लिया। उस हादसे से तकरीबन 3 रोज पहले गांधी जी से बिरला हाउस में मेरी बात हुई थी। तब महात्मा गांधी ने मुझसे कहा था कि मुल्क में अमन हो गया है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि जिस तरह आपने दिल्ली में अमन कायम करने के लिए मेरा साथ दिया है, उसी तरह हिंदुस्तानी जबान के प्रचार के लिए भी हिंदुस्तान भर में कोशिश करनी होगी और इसमें आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। उस वक्त मैंने उनसे कहा था हम आपके साथ हैं, लेकिन आज यहां पर हिंदी को उसी हिंदुस्तानी की जगह रखा जा रहा है और गांधी जी के और कांग्रेस के 30 साल तारीख के खिलाफ गलत कदम उठाया जा रहा है। यह मालूम हुआ है कि हिंदी का मतलब उस जबान से है जो संस्कृताइज्ड हो, जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी के अल्फाजों की जगह नए अल्फाज लाए जाएं। मेरे भाई सेठ गोविंददास जी ने कहा कि उर्दू से उन्हें बहुत प्रेम है, लेकिन उर्दू मुसलमानों की जबान है। श्रीमान, मैंने ये कभी नहीं कहा कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। एक खास फिरके की जबान मानकर ही आपने एतराज किया था, इससे तो बाहर की चीजें ही जाहिर होती हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि उर्दू को मुसलमान ना ईरान से लेकर आए, ना स्पेन से और ना अरब से, बल्कि उर्दू हिंदू मुस्लिम की बोलचाल बाजारों, मकानों और गली कूचों से वजूद में आई। क्या आप नहीं जानते कि हाल ही के मजहबी शायर मोहसिन काकोरी ने पैगम्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है। वो कहते हैं, सिमत काशी से चला है जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल, खबर उड़ती हुई आई है जहां में ये अभी के चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। यही तू तू मैं अंकों की निशानी को लेकर भी हुई कि संख्या यानी 1 2 3 4 ये सब हिंदी में लिखे जाएंगे या अंग्रेजी में।
आखिर में 14 सितंबर 1949 को तय हो गया कि हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी होगी। साथ में 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। संख्याओं को अंग्रेजी यानी अंतर्राष्ट्रीय गणना में ही लिखा जाएगा, लेकिन हिंदी को कामकाज के लायक बनाने तक 15 साल तक अंग्रेजी में कामकाज होता रहेगा। अंग्रेजी को एज ए टेम्परेरी प्रोविजन अंडर द मुंशी आयंगर फार्मूला उसको कहा गया कि ये फिलहाल चलती रहेगी, लेकिन जैसा हम सबको मालूम है वो 15 साल बढ़ते रहे और प्रैक्टिकली अंग्रेजी ही अभी तक प्रमुख भाषा है सरकारी कामकाज की। हालांकि कुछ सदस्य 15 साल भी अंग्रेजी को झेलने के लिए तैयार नहीं थे, तब सबसे उम्दा भाषण दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जो उस वक्त देश के शिक्षा मंत्री भी थे। जहां तक जबान का ताल्लुक है तो आम तौर पर यह बात मान ली गई है कि कौमी जबान वो जबान हो सकती है जो उत्तरी हिंद की जबान हो, लेकिन इस वक्त उत्तरी हिंद की जबान के लिए 3 नाम पैदा हो गए हैं, उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी अपने वसी दामन में उत्तरी हिंद की जबान के तमाम रंग और रूप ले सकती है। उसमें हिंदी भी आ सकती है, उसमें उर्दू भी आ सकती है और इसके सिवा एक नए फैलाव की गुंजाइश भी रह जाती है। हिंदुस्तानी किसी भी अंसर को खारिज नहीं करती बल्कि हर चीज को अपने अंदर समेट लेती है। कानून से व्यवस्था चलाई जाती है, जुबान नहीं। जुबान का मसला तो मूल रूप से संवेदना का मसला है। संविधान सभा इस देश का एक इम्तिहान अगर भाषा की संवेदना पर ले रही थी तो एक इम्तिहान दलितों के दर्द और वेदना पर भी। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को अंदर से खोखला कर दिया था। वर्ण व्यवस्था के शूद्र और जाति व्यवस्था के अछूतों की कोई मर्यादा वाली जिंदगी थी ही नहीं। उनको छूना तक पाप माना जाता था। उन अछूतों की अपमानित जिंदगी से कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निकला तो उसने जाति प्रथा के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। इस बात को समझने के लिए हमें गुलामी के दिनों में चलना होगा, जब दलितों के लिए अंबेडकर पृथक चुनाव व्यवस्था चाहते थे और गांधी इसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। आप अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते गांधी जी? अगर आपको कुछ हो गया तो आपके शिष्य मुझे बेकार में इल्जाम देंगे। आमरण अनशन करने का फैसला मेरा अपना है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ मैं जिम्मेदार होऊंगा। पर अगर हरिजनों और बाकी हिंदुओं का बंटवारा हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे अंबेडकर जी। हिंदू और हरिजन एक थे ही कब, जो अब आप उनमें बंटवारे की बात कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, हिंदू संप्रदाय ने हरिजनों को सदियों से अछूत बना के रखा है, पर अब जब मौका आया है कि राजनीतिक रूप से दोनों साथ साथ आ सकें, तो आप क्यों हरिजनों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं? गांधी जी, एक दिन वोटिंग बूथ में साथ वोट डाल देने से हिंदू और हरिजन एक नहीं हो जाएंगे। पर हरिजन हरिजनों को चुने और सवर्ण सवर्णों को, इस कायदे से तो तुम उन्हें हमेशा के लिए अलग रखने का इंतजाम कर रहे हो। मेरी तजवीज ये है
कि हम हर बार कुछ ऐसी सीटें तय करें जिनमें हर एक को केवल हरिजन कैंडिडेट ही चुनने होंगे। फिर वो खुद चाहे किसी भी वर्ग वर्ण के क्यों ना हो, और बाकी सीटों पे भी हरिजन को उसी तरह से खड़े रहने का अधिकार होगा जैसे कि किसी भी हिंदुस्तानी को। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा गांधी जी। हिंदू धर्म की कुरीतियों से सबसे मजबूती से लड़ने वाले दो ही नेता थे, एक महात्मा गांधी और दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इत्तफाक देखिए कि गांधी की हत्या हिंदुत्व के नाम पर एक उन्मादी हिंदू ने कर दी थी और अंबेडकर को अपनी मृत्यु से 53 दिन पहले हिंदू धर्म त्याग देना पड़ा था। ये भी एक इत्तफाक है कि गांधी के दलितों और अछूतों के प्रति पीड़ा और मर्म को अंबेडकर ने शुरुआती दिनों में सही दृष्टिकोण से नहीं देखा, लेकिन गांधी के आग्रह के आगे उनको झुकना पड़ा और फिर 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवड़ा सेंट्रल जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच मशहूर पूना पैक्ट हुआ। उस समझौते में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया गया। इसकी एवज में दलितों की आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधान मंडल में कुल सीटों की 18% कर दी गई। अब हम संविधान सभा में चलते हैं, जहां सबसे पहले जो समिति बनी वो दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए बनी। उसमें 72 लोग थे। कमिटी बनी तो कई तरह के सुझाव आने लगे। संविधान सभा पर गांधी की छाया तो थी, लेकिन खुद गांधी जी नहीं थे। दलितों के लिए बनी समिति में तय हुआ कि कमजोर तबकों को 10 साल तक संरक्षण दिया जाए ताकि वो बराबरी पर आ सके, लेकिन अंबेडकर चाहते थे कि सरकारी नौकरियों, विधान मंडलों की सीटों और मंत्रिमंडल में दलितों के लिए साफ साफ आरक्षण का प्रावधान। अब संविधान में बदलाव की बात भले हो रही थी, लेकिन एक बड़ा तबका था जो आरक्षण का विरोध कर रहा था। अंबेडकर चाहते थे कि चुनावी व्यवस्था में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले, नहीं तो हर चुनावी सीट से प्रभावशाली लोग ही चुनकर आते रहेंगे। लेकिन के एम मुंशी और एच सी मुखर्जी जैसे समिति के सदस्य मानते थे कि ऐसा करने से पृथक निर्वाचन व्यवस्था को ही बल मिलेगा, यानी देश गांधी और अंबेडकर के पूना पैक्ट से पहले की स्थिति में जाएगा। अंबेडकर से कोई सहमत नहीं हो रहा था। इस बीच बहस का विमर्श अस्पृश्यता उन्मूलन की तरफ घूम गया। अस्पृश्य का मतलब यहाँ हर प्रकार की छूत अछूत से नहीं हो सकता। मैं आपको निश्चित तौर से बता सकता हूं कि एक हिंदू के लिए कोई मुसलमान या क्रिस्तान अछूत होते हैं और प्रलय के दिन तक वो अछूत ही रहेंगे। मेरे तई यहां हमारा अर्थ हिंदू समुदाय में फैली हुई छुआछूत से। डू यू मीन टू से दैट अनटचेबिलिटी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड? प्रश्न हिंदू समाज में निहित छूत अछूत की परंपरा का है। द आइडिया हियर इज दैट अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म शुड बी अबॉलिश्ड। क्रिस्तानों और मुसलमानों को इस बात की फिक्र ही नहीं रहती कि हिंदू उन्हें अछूत मानते हैं या नहीं। सो डू यू मीन टू सजेस्ट दैट सो फार क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आर कंसर्न्ड अनटचेबिलिटी शुड बी रिटेन्ड? मेरा ये अर्थ नहीं है। बट योर सजेशन विल रिजल्ट इन दैट। यू आर प्रोबेबली अवेयर दैट देयर आर सम क्रिश्चियंस हु सफर फ्रॉम द सेम डिसेबिलिटीज एज द हिंदू अनटचेबल्स। दिस इज टू से the depressed class who been converted into Christianity in Travancore, Malabar and Cochin. हमें समिति के उद्देश्य के बारे में साफ होना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ केवल हिंदुओं में अस्पृश्यता हटाने के लिए बैठे हैं या ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों में भी, यानी कि सब में छूत अछूत मिटाने को जमा है। आखिरकार शताब्दियों से चली आ रही अस्पृश्यता की घृणित परंपरा को संविधान ने भारतीय जीवन से हटा दिया। कभी जिनकी छाया तक पड़ने से सवर्णों को पाप लगता था,
वही हाशिए पर खड़े लोग भारत का नया भविष्य गढ़ने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम और मुनि स्वामी पिल्लई जैसे लोग थे। दलितों के लिए बराबरी की बातें करना आसान है और उन्हें बराबरी का दर्जा देना बहुत मुश्किल है। अछूतों को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए आरक्षण के सवाल पर सभा बंटी हुई थी। ऐसे कई सदस्य थे जो ऐसा मानते थे कि अगर आरक्षण को लागू किया गया तो देश अगड़ों और पिछड़ों में बंट जाएगा। इसीलिए सार्वजनिक तौर पर भी और निजी तौर पर भी आंबेडकर को यह समझाने का प्रयास चल रहा था कि आप आरक्षण की मांग को छोड़ दीजिए। भीमराव, आपसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। आपने तो देखा ही है सभा में कितने लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अब अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों को आरक्षण दिया गया तो आप तो जानते ही हैं, फिर सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान कोई पीछे नहीं रह जाएगा। हाँ, मगर सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान या किसी और का मुकाबला अनुसूचित जनजातियों के साथ नहीं हो सकता। ये सारी जातियां पैसे वाली भी हैं और सोशली सिक्योर्ड भी। ठीक बात है, पर अगर एक बार आरक्षण का दरवाजा खुल गया तो देखिएगा सभी लोग अपना हक मांगेंगे और हिंदुओं के लिए सरकारी नौकरियों में जगह नहीं बचेगी, जबकि संख्या में वो सबसे ज्यादा है। आप चाहते क्या हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, सरदार पटेल भी यही चाहते हैं कि हो सके तो संविधान में आरक्षण की बात ही हटा दी जाए। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला, चाहे आप कितना भी जोर लगा लें मुंशी जी। पर कोई रास्ता तो हो सकता है ना? हाँ, एक रास्ता है। मैं ही हट जाता हूं संविधान की ड्राफ्टिंग कमिटी से। अरे, फिर आप लोग जैसा चाहें वैसा संविधान बना लीजिएगा। सुनिए भीमराव, भीमराव सुनिए तो। डॉक्टर आंबेडकर को लगा कि जिन दलितों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं अगर उनको ही जीने का अधिकार नहीं दिला पाए तो फिर संविधान सभा में रहने का फायदा क्या है। अंबेडकर ने न सिर्फ संविधान बनाने के काम से खुद को अलग कर लिया बल्कि ये भी इशारा कर दिया कि वो न सिर्फ ड्राफ्टिंग कमिटी बल्कि कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे देंगे। इससे ऐसी खलबली मची कि अंबेडकर को मनाने खुद सरदार पटेल उनके घर पहुंच गए। मुंशी जी की बातों से आप नाराज हो गए भीमराव? लेकिन वो तो आपकी बात लेकर आए थे मेरे पास, इसीलिए मैंने कहा कि मैं ही ड्राफ्टिंग कमिटी से हट जाता हूं। आप तो जानते हैं कांग्रेस क्या, पूरे भारत में दूसरा और कोई है ही नहीं जो हमारे संविधान को आकार दे सके। खुद बापू भी यही कहा करते थे। लेकिन आप उनकी बात मानते कहां हैं पटेल जी? गांधी जी पिछड़ों को रिजर्वेशन देने की मेरी तजवीज से सहमत थे। पंडित नेहरू ने तो खुद पंडित होते हुए भी यह कहा कि सदियों से हिंदुओं ने निरीह अछूतों और आदिम जातियों को बेबसी, दरिद्रता और अशिक्षा में रखा। फिर अगर हमें उन्हें सबके साथ बराबर लाना है तो हमें उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही होगा। आपकी बात सही है, पर आप तो जानते हैं कि बड़े पदों पर हम मेरिट के आधार पर ही लोगों को ले पाएंगे, तो फिर क्लर्कों की नौकरी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना? जोखिम? मुझे तो इसमें कोई खतरा नजर नहीं आता। खतरा यह है कि अगर हमने एक विशेष वर्ग को आरक्षण दे दिया तो बाकी के लोग भी आरक्षण की मांग करेंगे और भारत भर में जातिवाद का यह जहर फैलता जाएगा। जहर तो हमने पिया है सदियों से और फिर भी हम जिंदा हैं। रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली आप लोगों ने हमारी, फिर भी हम लोग खड़े हैं। अरे, एक बार हमें अपने बराबर आने का मौका तो दीजिए पटेल जी, फिर देखिए कैसे हम आगे निकल जाते हैं। और यह काम बिना आरक्षण के नहीं होगा। अगर फिर भी मेरी बातें आपको जहरीली लग रही हैं
तो मैंने अपना इस्तीफा तैयार रखा है, आप खुद लेते जाइएगा। मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूं अंबेडकर जी, लेकिन मूर्ख नहीं हूं, किसान हूं। देखकर ही बता सकता हूं कि कौन सा बीज कल मुझे अच्छी फसल देगा। सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर की मुलाकात से तय हो गया कि संविधान के शिल्पी तो अंबेडकर ही रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा यह तय हो गया कि दलितों का हक नहीं मारा जाएगा। संयुक्त प्रांत से आए दलित तबके के सदस्य एच.जे. खांडेकर ने सभा में सवाल उठाया कि जिन राज्यों में ब्राह्मणों की आबादी 2% है, वहां कैबिनेट में उनकी हिस्सेदारी 2/3 है, लेकिन 25% आबादी के बावजूद दलितों से मंत्रिमंडल में एक ही मंत्री क्यों? वो इतने गुस्से में थे कि यहां तक कह गए कि सवर्णों में गांधी और ऐसे ही 10-20 लोगों को छोड़कर कोई भी दलितों की बेहतरी के बारे में सोचता नहीं है। महात्मा गांधी का सपना था कि कोई दलित महिला भारत की पहली राष्ट्रपति बने। वो तो नहीं हुआ, लेकिन गांधी की पहल पर ही अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने और पहले कानून मंत्री। लेकिन समूचे दलित समुदाय को सत्ता और समाज में मजबूत भागीदारी देना एक बड़ी चुनौती थी। इनके अलावा दूसरी कई सामाजिक समस्याएं भी अपना समाधान मांग रही थीं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए नौकरियों में आरक्षण की बात हुई। मुसलमानों को भी नौकरियों में आरक्षण पर बात उठी, लेकिन कई मुस्लिम सदस्यों के सभा से वॉकआउट के कारण ये मामला लटक गया। महिला सदस्यों ने पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, बहुविवाह जैसे अभिशापों को खत्म करने की मांग की। साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए विशेष संरक्षण की बात हुई, ताकि दुनिया को ये संदेश ना जाए कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों से समझौता कर लिया है। मेरा सौभाग्य रहा डॉक्टर अम्बेडकर से उनके साथ बैठने का और उनसे बातें करने का, और मैं कह सकता हूँ उसके अलावा जो संविधान सभा का भी रिकॉर्ड देखिए आप, कमेटीज में देखिए, तो वो रिजर्वेशन इन परपेचुइटी के अगेंस्ट थे, स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी हो इंडिया में, और कोई जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। लेकिन वो समझते थे कि इक्वलिटी अमंग अनइक्वल्स मुश्किल है, तो जो अनइक्वल हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, ताकि वो दूसरों के साथ बराबरी में बैठ सके और उसके बाद इक्वलिटी हो। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए जो समिति बनी, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। आजादी के 12 दिन बाद 27 अगस्त 1947 को पटेल ने अल्पसंख्यकों के अधिकार पर एक रिपोर्ट संविधान सभा में पेश की। उसमें उनका जोर था कि किसी भी समुदाय के लिए अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा। जितने भी अल्पसंख्यक लोगों को अधिकार मिले हैं धारा 29 में, धारा 30 में, अपने भाषा को, अपनी संस्कृति को, और सबसे बड़ी बात यह है अपने धार्मिक स्थान और अपने शैक्षणिक संस्थान के संवर्धन का, ये सब सोच सरदार पटेल की थी। क्योंकि बहुत लोग मानते थे कि अब चूंकि भारत पाकिस्तान बन गया है, इसलिए भारत में माइनॉरिटी की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें पाकिस्तान नहीं बनना है, भारत को एक लोकतंत्र बनना है और समावेशी लोकतंत्र बनना है। आजादी के वक्त दलितों को हिंदुओं में नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों में गिना जाता था। गुलामी के दिनों से ही गांधी उनको हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा मानते थे।
संविधान सभा में भी ये बात उठी। के मुंशी ने कहा कि उनको आरक्षण की सुविधा तब तक मिलनी चाहिए जब तक वो विशाल हिंदू समुदाय का हिस्सा नहीं हो जाते। ये पॉलिसी न रहकर रिजर्वेशन पॉलिटिक्स हो गया, बजाय पॉलिसी के उनका जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उन्हें उनका उत्थान करने का के बजाय, उन्हें और लोगों के साथ बराबरी का दर्जा दिलाने के बजाय हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया उन्हें बैकवर्ड रखने में, और बैकवर्डनेस में कंपटीशन होने लगा कि हम दलित हैं तो दूसरे लोग कहते हैं हम और ज़्यादा दलित हैं। तो बजाय इसके कि अपवर्ड मूवमेंट होता, दलितों की संख्या कम होती और वो और लोगों के साथ बराबर खड़े होते, हुआ ये कि वेस्टेड इंटरेस्ट निहित स्वार्थ हो गया बैकवर्ड रहने में, और हर 10 साल बाद वो बढ़ा दे जाता है क्योंकि वो बजाय उनका भला करने के उन्हें एज ए वोट बैंक ट्रीट किया जाता है। जाति और धर्म के चक्रव्यूह में घिरे देश में संविधान बनाना मेढकों को एक तराजू पर तौलने के जैसे था। अभी दलितों पिछड़ों के सवालों का समाधान हो ही रहा था कि एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या होगा। 19 नवंबर 1948 को एचसी मुखर्जी सभा की अध्यक्षता कर रहे थे कि यह सवाल छिड़ गया। धर्म का नाजुक मसला देश को कितना महंगा पड़ा था, इसको कुछ दिनों पहले ही हिंदुस्तान ने भोगा था। इसीलिए जब मुस्लिम सदस्य करीमुद्दीन मुस्लिम पर्सनल लॉ को बनाए रखने के लिए धमकी वाली मुद्रा में आ गए, तब जैसे तैसे इस मुद्दे को अंबेडकर ने सुलझाया। लेकिन इसी आधार पर हिंदू कोड बिल बनाने की अंबेडकर की कोशिशों पर पानी फिर गया। जिस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, वहां सपनों का एक नया साम्राज्य खड़ा करना था। ऐसे में कई मसलों से कन्नी काट कर निकल जाने में ही भलाई समझी गई। दूसरी तरफ कई गंभीर मुद्दों से सीधे टकराने का मादा भी दिखाया गया। ऐसा ही एक मुद्दा था जमीन का विवाद, यानी कि मालिकाना हक किसका होगा, क्योंकि राजे रजवाड़े तो सुई की नोक बराबर जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन सरदार पटेल के रणनीतिक कौशल और जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी रुझान के कारण इस बार जमीन को लेकर महाभारत नहीं हुई। सर, आई बेग टू मूव क्लोज 19 विच रन्स दस, नो प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल ऑफ एनी पर्सन और कॉरपोरेशन इंक्लूडिंग एनी इंटरेस्ट इन एनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शैल बी टेकन और एक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूज अनलेस द लॉ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर द प्रॉपर्टी टेकन और एक्वायर्ड एंड स्पेसिफाइज the principles on which and the manner in which the compensation is to be determined. अपनी जमीन जाति देख संविधान सभा में बैठे राजे रजवाड़ों ने उचित मुआवजे की बात रख दी। इस बात पर बहुत हंगामा हुआ कि मुल्क में कई जगहों पर कई लोगों ने जमींदारियां अपनी जिंदगी भर की कमाई से बड़ी कीमत देकर खरीद कर हासिल की है, किसी खैरात में नहीं पाई है। समाजवादी सदस्यों ने विरोध किया तो सवाल ये उठा कि अगर छोटे किसानों की जमीन कभी ली गई तो क्या उनको भी उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। ये सवाल कितना जटिल था इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 16 मई 1951 को जवाहरलाल नेहरू जब पहला संविधान संशोधन ले आए तो वो जमीन के मसले पर ही था। सामाजिक और आर्थिक सवालों से आगे एक बड़ा सवाल था कि देश की राजनीतिक शासन व्यवस्था कैसी होगी। इसके लिए कई शासन प्रणालियों पर माथापच्ची हुई। कुछ सदस्य
आयरलैंड की तरह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली चाहते थे। लेकिन जब संविधान सभा के सलाहकार बी एन राव डबलिन गए तो वहां के नेता इमोन द वलेरा ने अपना दुखड़ा रोया कि इसमें इतनी खामियां हैं कि वो खुद इसे बदलना चाहते हैं, इसलिए वो आइडिया वहीं खारिज हो गया। कुछ लोग कैबिनेट मंत्रियों को सीधे जनता से चुनी जाने वाली स्विस व्यवस्था चाहते थे, लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी। कुछ सदस्यों का मानना था कि अमेरिका की तरह शासन की राष्ट्रपति प्रणाली हो, जिसमें सरकार की स्थिरता की गारंटी होती है, लेकिन राष्ट्रपति के सामने संसद कमजोर हो जाती है। ऐसे में सबने ग्रेट ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली को चुना, जिसमें सरकार की स्थिरता रहे या ना रहे, लेकिन उत्तरदायित्व का भाव सबसे ज्यादा रहता है। भारत ने वेस्टमिंस्टर प्रणाली की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को चुना। ये भी तय किया गया कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में सबसे ऊपर होंगे, लेकिन उनकी हैसियत बराबर वालों में प्रथम की होगी, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। संविधान सभा में टी प्रकाशम ने 1000 पुराने कांजीवरम मंदिर के एक अभिलेख को दिखाया कि कैसे पत्तों को बैलेट पेपर और बर्तन को बैलेट बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ऐसी कौम परस्ती दिखाने वालों की कमी नहीं थी। हिंदी वाले रघुवीरा ने भी दलील दी कि कैसे प्राचीन भारत गणतंत्र का जनक था, ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि वोट का अधिकार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को मिले। लेकिन पंडित नेहरू ने विशेष जोर देकर हर हिंदुस्तानी के लिए वोट का अधिकार सुनिश्चित कराया। शर्त इतनी थी कि उनकी उम्र 21 साल हो। संविधान बन गया। भारत ने पहले लोकतांत्रिक चुनाव की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। तब सवाल उठा नेताओं की ईमानदारी और पवित्रता पर। संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद को रखा गया। इस पर केटी शाह एक संशोधन ले आए कि जब भी कोई मंत्री शपथ ले तब वो अपनी संपत्ति का ऐलान करे और जब पद छोड़े तब भी बताए। लेकिन खुद डॉक्टर आम्बेडकर ने ही इसको खारिज कर दिया कि ये काम जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए। आजादी के उन दीवानों को लगता था कि जनता का विवेक हमारे नेताओं को संयम और समझ का पाठ पढ़ाता रहेगा, लेकिन समय के साथ बदलाव की कीमत को भी वो समझते थे। इसीलिए संविधान में संशोधन की गुंजाइश रखी गई। अब तक 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। उनमें कुछ ऐसे हैं जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मील के पत्थर साबित हुए, तो कुछ सत्ता के लिए संविधान को तोड़ने की कोशिश का उदाहरण। उनकी बात होगी अगली बार। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। मार्गदर्शक के लिए कोई जगह है तो हमारा संविधान। वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान बहुत खूबसूरत है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना है।